एटा के जलेसर में जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल की अध्यक्षता में जलेसर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां शिकायतकर्ताओं को जिलाधिकारी एटा ने गंभीरता से सुना। वहीं आपको बता दें, इस समाधान दिवस में कुल 54 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें से 4 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। वहीं इस मौके पर समस्त जिला स्तर और तहसील स्तर के अधिकारीगण मौजूद रहे। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लॉकडाउन के चलते स्कूल फीस को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। जिधर देखो उधर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के महू तहसील के विभिन्न स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां आश्री साई एकेडमी डोंगरा गाँव के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं देने पर अभिभावकों द्वारा जनसुनवाई में स्कूल के खिलाफ ज्ञापन दिया गया, जिसमें अधिकारियों ने 15 दिन में निराकरण का आश्वासन दिया है। श्री साई एकेडमी स्कूल के पेरेंट लोग हैं, जिन्होंने स्कूल में भी गए थे, स्कूल साई एकेडमी स्कूल में गए थे और वहाँ पर भी हमने उनको 15 तारीख को बताया था। उन्होंने एक मीटिंग अरेंजमेंट करी थी, बाकी उन्होंने मैनेजमेंट ने हमारी कोई बात ना सुनते हुए मैनेजमेंट ने कोई बात नहीं सुनी और उसके संबंध में भी वहाँ का एजुकेशन गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए हमने SDM साहब को भी किस विषय में दिया था, एक तो फीस का विषय है और दूसरा जो वहाँ की शिक्षा बहुत निरंतर गिरती जा रही है उस विषय में दिया गया था, और ना वहाँ की जो फैकल्टीज है वो एकदम हल्की होती जा रही। क्या मांग की आपने प्रशासन ने ज्ञापन के माध्यम से? एक तो फीस जो कोरोना काल के हिसाब से हाई कोर्ट ने जो आधी कर दी गई है, वही हमारी मांग है कि वहाँ भी हमसे आधी फीस ली जाए। क्या आश्वासन दिया आपको शिक्षा विभाग अधिकारी? शिक्षा विभाग अधिकारियों ने कहा गया कि 4-6 दिन में इसका कुछ भी निराकरण। SDM साहब ने बोला है कि 1 हफ्ते में कुछ भी निराकरण किया जाएगा। कमल बढ़िया, इंदौर के महू से KKD न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के महू में जनसुनवाई के दौरान नगर परिषद महू गांव के खिलाफ स्थानीय निवासियों द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, तहसील के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी काटने वालों में एक होड़ सी मची हुई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी दिखावे की कार्रवाई कर आंखें बंद कर लेते हैं। यही नहीं, SDM और तहसीलदार का नाम लेकर अवैध बोरिंग और खनन करने वालों के भी हौसले बुलंद हैं। जो कॉलोनियां नर्मदा के लिए छोड़ी गई थी उसके लिए ज्ञापन देने आए थे। 14 नंबर वार्ड में मदन विहार एक्सटेंशन, रॉयल स्टेट, विमल विहार कॉलोनी, सुपर सिटी कॉलोनी नर्मदा से छोड़ दी गई है। तो ये नर्मदा का पानी आपको कब से नहीं मिल रहा है? नर्मदा का पानी 2017 से नहीं मिल रहा, जब से लाइन डली, जब से इन कॉलोनियों में तो लाइन ही नहीं डाली गई है। नगर परिषद द्वारा कोई आपसे चार्ज लिया गया था? साउथ शांति नगर में करीब 100 से 150 मकान है, जिसमें नर्मदा कनेक्शन के लिए 3000 रुपये की रसीद 2017 से कटाई गई है, लेकिन उन लोगों की अभी तक पानी की व्यवस्था नगर परिषद ने नहीं की गई, जिसके लिए मैंने 12 से 15 आवेदन नगर परिषद और SDM कार्यालय में भी दे रखे हैं। इंदौर के महू से KKD न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के बंडा में अपनी शादी के कार्ड बांट कर घर लौट रहे युवक का शव 6 दिन शारदा नहर में भावी पुल के नीचे उतराता मिला। परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को शारदा नहर से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। शाहजहांपुर से KKD न्यूज संवाददाता सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।